रेलवे भर्ती 2020। नमस्कार दोस्तों, रेलवे में बड़ी और बम्पर पदों पर एक और नई भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर 5600 के लगभग यहाँ पर पद है, अलग अलग आपकी वैकेंसीज। अगर आप 10वीं पास हो और रेलवे में भर्ती होना चाहते हो बिना परीक्षा और बिना दौड़, तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से बड़ा मौका दिया जा रहा है। इस लॉकडाउन के बीच में आने वाली रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में ये सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, एज क्रिटेरिया क्या होगा, कब से कब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, साथ ही जो भर्ती का प्रोसेस है वो आपका क्या रहने वाला है। रेलवे में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए बड़ी और अच्छी खुशखबरी यहां पर आई है, उसके बारे में सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप पूरी जानकारी ऑफिशियली अपडेट के साथ पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, वहां जाके आप सारी डिटेल देख सकते हो। दोस्तों, आपको कैसे आपको रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल देखनी है, इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया हुआ है उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियली साइड है और यहां पर आपको रेलवे की भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन यहां पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे रेलवे NFR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आने वाला है जिसमें पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। मैं यहां पर आपको डिटेल से बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16 अगस्त से आपके शुरू हो चुके, जबकि आप 15 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हो। वही वैकेंसी की बात करें तो 4499 यहां पर टोटल वैकेंसी बताई गई है, जिसमें यहां पर आपके जो एप्लीकेशन फीस है उसकी यहां पर बात करें तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए ₹100 लगने वाले, जबकि SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। वही दोस्तों, पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड के आधार पर करना होगा। यहां पर पूरी डिटेल से बात करें तो कटियार है, उसमें आपके कटियार वर्कशॉप में आपके 970 वैकेंसी है, जबकि अलीपुरदूपुर में 493 वैकेंसी है, रेंजिया में यहां पर 435 है और लुमडिंग में यहां पर वर्कशॉप में आपके 1302 है, जबकि तिनसुकिया में 484 वैकेंसी है और न्यू पंगोनियो में यहां पर बात करें तो 539 और डिब्रूगढ़ में आपके 276 वैकेंसी यहां पर रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, यहां पर द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन। जी हां दोस्तों, 10th क्लास एग्जामिनेशन आपका पास है, मतलब 10th अगर आप पास हो इस भर्ती के लिए आप योग्य माने जाओगे। मिनिमम 50% का क्रिटेरिया यहां पर रेलवे की तरफ से रखा गया है। उसके बाद दोस्तों एज क्रिटेरिया की बात करें तो जिनकी एज मिनिमम एज है वो यहां पर 14 वर्ष रखी गई है, जबकि मैक्सिमम एज की बात करें तो 24 वर्ष है, जिनमें यहां पर OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब OBC कैंडिडेट 27 साल तक, जबकि SC ST कैंडिडेट है वो 29 साल तक इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों पे स्केल। पे स्केल कौन से एक्ट के थ्रू मिलने वाला है, जो पे अप्रेंटिस का जो एक्ट 1961 है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली। सैलरी आपकी 30,000 से शुरू होने वाली है और ये आपके 80,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। अब यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, यहां पर आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट बेस्ड होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, लेकिन बड़ी बात यह आती है कि यहां पर आपका एग्जाम नहीं होगा। तो फिर भर्ती का प्रोसेस, मतलब भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। दोस्तों, ओनली इंटरव्यू के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है और उसी के आधार पर ही आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अगर दोस्तों आप भी पढ़ाई में कमजोर हो, आप इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बिना एग्जाम और बिना दौड़ के ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे की तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किए गए, तो यहाँ पर आपके पास में 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, साथ ही दोस्तों आपके पास में अदर कोई ITI सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए, साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ऑफिशियली वेबसाइट भी यहां पर आपको मिल जाएगी जहां जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम लिंक पर जुड़ना चाहते हो तो यहां पर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको टेलीग्राम से रिलेटेड हर प्रकार के कोई भी एग्जाम हो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। वही दोस्तों, यहां पर बात करें
अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो यहाँ पर हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हर प्रकार के अपडेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी की छोटी सी जानकारी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।